अब बारी आती है ईमेल डिजाइनिंग की मेल चिम्प में आप ईमेल डिजाइनिंग बहुत ज्यादा कर रहे होंगे क्योंकि मेनली यूज़ तो यूजिम्प हो ही ई मार्केटिंग के लिए रहा है तो ये होती किस तरीके से किस तरीके से आपने कैंपेन बनाना है ईमेल का इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस आइए जरा थोड़ी सी उस पर नजर डालते हैं मेन पेज से आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करें और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यू क्लिक ऑन द क्रिएट एन ईमेल बटन जो आपको आप बॉटम के अंदर प्रोवाइड कर रहा है मेल चिम्प उसके बाद कैंपेन नेम आप यहाँ लिखें फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी न्यू कस्टमर्स कैंपेन क्लिक ऑन बिगिन बटन और यहाँ सिमिलर जिस तरह पोस्ट कार्ड की हमने कैंपेन बनाई थी उसी तरह की कैंपेन है थोड़े से फंक्शन इसमें ज्यादा है लिस्ट यू क्लिक ऑन एड रेसिपी एंड आप यहाँ लिस्ट चूज करते हैं और जस्ट हैव अ लुक फॉर एग्जाम्पल दिस लिस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन तो आपने लिस्ट सबसे पहले सेलेक्ट किया अब इस लिस्ट में जितने लोग हैं उनको ये कैंपेन जाएगी कौन ये भेज रहा है ये कैंपेन हु इज सेंडिंग दिस पर्टिकुलर मैसेज आपका नाम यहाँ आएगा आपका ईमेल एड्रेस आएगा दिस इज यू कैन चेंज इट एंड दिस इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप यहाँ जो है वो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस और प्रोफेशनल नाम लिखें इधर तो आप बिजनेस का नाम लिख सकते हैं जिस बिजनेस की तरफ से वो कैंपेन जा रही है सब्जेक्ट क्या होगा उस ई का यू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ओवर रहे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप ई मार्केटिंग कर रहे होते हैं अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ठीक नहीं है तो देन पीपल दे एक्चुअली डू नॉट ओपन इट इट गोस टू द जंक एंड उसकी कोई एफिकेसी फिर रहती नहीं है तो फॉर एग्जांपल आई राइट द सब्जेक्ट ओवर हियर मैं उसको लिखता हूँ ग्रीटिंग्स उसको सेव कर दूँगा और हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ कंपनी ए बी सी और ई मेल एड्रेस सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिस्ट भी है हम कौन ईमेल भेज रहा है उसका सब्जेक्ट क्या होगा नाउ इस एक्चुअली दी कंटेंट के जो कंटेंट आपने ईमेल को डिज़ाइन करना है उससे पहले ज़रा आप नीचे बॉटम में देख लें आप इस ईमेल को फेसबुक के ऊपर भी पब्लिश कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और ट्विटर पर भी कर सकते हैं बट यू एक्चुअली हैव टू कनेक्ट यू ट्विटर एंड फेसबुक अकाउंट इन ऑर्डर टू डू दैट आप डिज़ाइन ईमेल मेल पर जब क्लिक करेंगे इन ऑर्डर टू तो क्रिएट दी कॉन्टेंट इट्स अ अच्छा, वेरी सिंपल प्रोसेस जिसमें आप बड़ी ब्यूटिफुल तरीके से डिजाइन कर सकते हैं मैं हमेशा आदि हूँ टेम्पलेट्स को यूज़ करने का एंड आई वुड आल्सो सजेस्ट यू टू यूज़ टेम्पलेट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट ब्यूटीफुल ईमेल्स इन मेल शिप या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये अगर आपने स्क्रैच से शुरू करना है तो जेनेरिक जो टेम्पलेट्स वो आपको देता है यू कैन डू दैट देट लेटमी फर्स्ट क्लिक ऑन फॉर एग्जाम्पल थीम्स बटन हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई प्री डिज़ाइनड चीज़ें पड़ी हैं मेल चिम्प के अंदर और बिल्कुल अवेलेबल हैं तो हम देखते हैं कोई एक डिज़ाइन चूज़ करते हैं तो ये मैंने एक्सेस किया बाय क्लिकिंग ऑन द थीम बटन ऑन टॉप फॉर एग्ज़ाम्पल एट स्क्रोल डाउन मुझे न्यू कलेक्शन का डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन और जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो इट विल ओपन दैट टेम्पलेट इन फ्रंट ऑफ मी इन दी एडिटर जिस तरह हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के एडिटर्स होते हैं इसी तरीके से मिल चिम का एक बिल्डर है कॉल ए कैंपेन बिल्डर और उस बिल्डर के अंदर यू चेंज ऑल द ई मेल डिज़ाइन जब आपके सामने टेम्पलेट खुल गया है तो आप उसको पहले ज़रा थॉरली देख लीजिए कि उसका फॉर्मेट क्या वही है कि जो आप रखना चाहते हैं काफ़ी सिंपल है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसको चेंज करना फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स को चेंज करना चाहता हूं तो विल टेक माय माउस कर्सर ऑन टॉप ऑफ इट एडिट के बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं इस टेक्सट को यहां चेंज कर सकता हूं तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कंपनी ए बी सी विंटर कलेक्शन इफ इट्स अबाउट द कलेक्शन और नीचे भी जो टैक्स है उसको आप चेंज कर लें स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं उसके बाद डिफरेंट सेटिंग्स को आप देख सकते हैं एंड क्लिक ऑन क्लोज इट विल चेंज ओवर है उसके बाद आप इसको स्कोल डाउन करके देखें टेक्स्ट के अलावा अगर आपने किसी इमेज को चेंज करना है तो यू कैन एक्चुअली डू दैट फ्रॉम हेयर टू यू कैन सेलेक्ट द इमेज रिप्लेस का बटन आप दबाएंगे तो यू कैन सेलेक्ट जो भी इमेज आपने इसको चेंज करना है वो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं राइट right साइड के ऊपर अगर आप नोट करें तो आपको डायरेक्ट एक्सेस बटन दिए हुए हैं मेल चिमले जिसमें बॉक्स टेक्स्ट है इमेजेस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके करंट डिजाइन के अंदर जब आपका डिज़ाइन फाइनल हो गया तो यू क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज बटन एंड इट विल टेक यू आउट फ्रॉम द कैंपेन बिल्डर और आपको दोबारा वापस मेन कैंपेन के पेज पर पे ले जाएगा अब आपका कॉन्टेंट जो है वो रेडी हो गया है आप एक टेस्ट ई जो है उसको सेलेक्ट करके भेजें और दिस इज हाउ माई ई मेल इज गोइंग टू लुक लाइक यहाँ ई मेल एड्रेस आ रहा होगा उस बंदे का जिसको आपने भेजने किसकी तरफ से वो ई मेल आई है उसका सब्जेक्ट क्या है और ये वो ई मेल है कि जो उस कस्टमर को जाएगी और मोबाइल uh, का व्यूज को करके देख लें कि मोबाइल पर कैसे लगेगी तो डेस्क टॉप की ई मेल दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक प्रीव्यू मोड से हम एग्जिट करेंगे वापस एंड वंस इट इज़ ऑल रेडी देन यू क्लिक ऑन द सेंड बटन और कैंपेन विल लॉन्च अगर आप सेंड अभी नहीं करना चाहते यू कैन एक्चुअली स्केजूल इट फॉर लेटर के हो सकता है ये कैंपेन आप आपसे दस दिनों के बाद के लिए बना रहे हो तो यू कैन क्लिक ऑन द स्केजल बटन एंड यू कैन सेलेक्ट विच डे डू यू वॉन्ट एंड वट टाइम डू यू वांट इन ऑर्डर टू लॉन्च दिस कैंपेन काफ़ी सिंपल प्रोसेस है ई मेल कैम्पेन डिज़ाइनिंग का और ई मेल के ओवरऑल डिज़ाइन को बनाने का और जब आपकी लिस्ट जनरेट हो गई है और यू आर रेडी टू तो सेंड योर ई मेल कैम्पेन देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सेंड बटन और आपकी ई मेल जो है वो हज़ारों लोगों तक तो पहुँच जाएगी जो आपकी लिस्ट में एडिड है इसको अपने तौर पर प्रैक्टिस करें लिस्ट को पॉपुलेट करें और पॉपुलेट करने के बाद ज़रा ई भेज के देखें कि ई मार्केटिंग होती किस तरीके से